दोस्तों, डंकी के बाद शाहरुख की अगली फिल्म की बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है। ये फिल्म पूरे इंडिया को हिलाकर रख देगी क्योंकि इसमें शाहरुख खान के साथ विजय थालापति होंगे, यानी एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार, दूसरी तरफ साउथ के सबसे स्टार विजय होने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली। अगर ये फिल्म बनती है तो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देगी और दुनिया भर में जबरदस्त कमाई करेगी। वहीं फिलहाल शाहरुख अपनी अगली फिल्म डंकी को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। इसके बाद वो अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। की सीधी टक्कर दो बड़ी फिल्मों से होगी, इसलिए अब काफी खतरनाक क्लैश देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी तक डंकी और सलार का क्लैश था, लेकिन अब एक्वामैन 2 भी पोस्टपोन होकर 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्मी एक्सपर्ट का कहना है कि पठान जवान के बाद डंकी भी हजार करोड़ वाली फिल्म बन सकती है। भी डंकी के साथ सालार भी रिलीज होने जा रही हैं, तो ये क्लैश होता है तो सीधा नुकसान होगा सलार फिल्म को, क्योंकि अभी सब लोग मास फिल्म बना रहे हैं तो लोग थोड़ा कुछ नया देखना चाहते हैं और वो नया उनको राजकुमार हिरानी की फिल्म में मिलेगा। जाहिर की बात है, पहले दिन सलार ज्यादा कलेक्शन करेगी, लेकिन उसके दो दिन बाद किंग खान की डंकी बहुत तेजी से आगे जाएगी। डंकी में जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और फिल्म के जरिए आपको दुनिया घूमने का एहसास भी होगा, क्योंकि डंकी की शूटिंग अलग अलग जगह पर की गई है, जिसमें आपको जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अलग अलग जगह के दमदार सीन देखने को मिलेंगे। डंकी की सीधी लड़ाई साउथ फिल्म सलार से देखने को मिल रही है और एक दूसरे के फैंस जमकर बवाल मचा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए ये फालतू की हेट फैलाना बंद करो, क्योंकि सलार और डंकी दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी होगी, लेकिन सलार ने जो डंकी के साथ क्लैश किया है वो बहुत गलत है। इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।